नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के सभागार के सामने, और यहां पर आज जो है एमजे म्यूजिकल एकेडमी द्वारा गोल्डन वॉइस सिंगिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इसी अवसर पर आज हम मौजूद हैं अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स के सभागार में, जहाँ पर आज लगभग 90 कंटेस्टेंट जो है इस सिंगिंग कंपटीशन में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे कि कितना मुश्किल था ये ऑर्गेनाइजिंग करना और कितना मुश्किल है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना, और ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, कहाँ कहाँ इसका ऑडिशन होगा, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यंग टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और छुपे हुए टैलेंट को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उनको एक मौका दे रहे हैं ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके। कैसा लग रहा है सर, और कितना टफ है ये? सर यहाँ पे तो पूरी अंडमान निकोबार आइलैंड से हमारे इस कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा टोटल 81 कंटेस्टेंट अभी फ़िलहाल हमारा रजिस्ट्रेशन किए हैं, और कंपटीशन तो काफ़ी टफ है क्योंकि सबके अंदर एक ना एक टैलेंट छुपी हुई है। अब जज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सर सब तो डिपेंड जजेस के ऊपर होता है कि क्या करते हैं वो। सर जितने भी जजेस हैं ये क्या पोर्ट ब्लेयर से ही बिलोंग करते हैं या बाहर से भी आए हुए हैं? सर हमारे जो अभी फर्स्ट राउंड के जो जजेस हैं वो पोर्ट ब्लेयर के ही हैं, और हमने म्यूज़िक से रिलेटेड जो म्यूज़िक लेक्चरर्स हैं उनको ही बुलाया है फर्स्ट राउंड के लिए। हमारे अलग अलग राउंड्स में हमने अलग अलग जजेस को रखा है। सर फर्स्ट राउंड में ये जजेस हैं, सेकेंड राउंड में दूसरे जजेस आएंगे। सर ये तो पहला राउंड है जो ALHW के सभागार में हो रही है, नेक्स्ट ऑडिशन या नेक्स्ट आपका जो फाइनल राउंड है ये कहाँ कहाँ पर रखने का आपने सोचा है? सर हमारा सेकेंड राउंड जो है वो TSG एमराल्ड व्यू में होगा, जो बता दीजिए सर 8 जून को है, और थर्ड राउंड जो है वो हमारा 23 जून को होगा जो कि नाइल ब्लू होटल में है, और हमारा सेमीफाइनल जो फोर्थ राउंड होगा जिसमें हम टॉप 10 को सिर्फ सेलेक्ट करेंगे वो राउंड जो है 80 विला होटल में, जो 14 जुलाई को होगा, और हमारा ग्रैंड फिनाले जो होगा जो टॉप 10 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम वो करेंगे सेलेक्ट करेंगे वो जो है हमारा 11 अगस्त को होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम में, और इसकी जो जजेस रहेंगे वो सेलिब्रिटी सिंगर जो मुंबई से आ रहे हैं हमारे अभय जोधपुरकर, वो टॉप 3 को जो है सेलेक्ट करेंगे, वो उनका जजेस रहेंगे। सर एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना कितना चैलेंजिंग था सर आपके लिए, और ऐसे 81 कंटेस्टेंट को यहाँ पर ऑडिशन करवाना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? बहुत मेहनत किया सर, हमारी पूरी टीम ने इस कंपटीशन को यहाँ तक सक्सेस करने के लिए हमारा पूरा टीम का योगदान है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उनके वजह से ही आज हम ये प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचा। सर आप जो इतना बड़ा एक म्यूज़िक कंपटीशन रखे हैं, आप उसका ऑर्गेनाइज़र हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आप लोग दोनों हैं, ये जो जितने भी आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं 30 लोग जो आप बता रहे थे, ये क्या म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं या बस आपके साथ ऐसे मतलब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आए हुए हैं? नहीं सर, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। हमारा एकेडमी है MG म्यूज़िक एकेडमी, तो वहाँ पे सब शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखते हैं और सभी संगीत के शौकीन हैं। मैं खुद एक म्यूज़िक टीचर हूँ, मैं डिगनाबाद स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ, और हम ये सब मिल करके हम जो है जो यहाँ के टैलेंट है अंडमान निकोबार की, तो उनको उभारने के लिए बाहर निकालने के लिए हमने एक पहल किया है कि हम एक कॉम्पिटिशन कराएंगे। जैसा कि आप सभी जानते आप जानते ही हैं कि हमारे द्वीपों में कई बच्चे नशा की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनका एक माइंड फ्रेश के लिए ताकि वो एक सही रास्ता में जाए, तो उनको एक पहल के माध्यम से हम जो है एक कंपटीशन करा रहे हैं, और हर साल भी कराने का सोचे हैं। लास्ट ईयर हमने सीज़न 1 कराया था, बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा, और अब हम सीज़न 2 कराए हैं, और अगर स्पॉन्सर मिले अगले साल फिर हम सीज़न 3 भी कराने की कोशिश करेंगे। सर सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे टोटल 50 स्पॉन्सर्स हैं, तो मैं अभी आपके चैनल में नाम लेना मुश्किल है, लेकिन हमने सभी स्पॉन्सर्स को यहाँ हमारे जो स्क्रीन में हम उनको डिस्प्ले कर रहे हैं हम उनको दिखा रहे हैं, और मैं बस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्पॉन्सर्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमें यहाँ तक इस प्रोग्राम को कराने में अपना सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आगे के जो भी प्रोग्राम होगा उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि अभी आपने सुना, जैसे एक बात और मिस्टर रिजवान जी ने बताया कि जिस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चे जो है नशे की ओर चले जाते हैं, नशे में धुत होकर घर वालों को परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना कर बैठते हैं कि मतलब घर वाले भी जो है परेशान हो जाते हैं, तो इससे उभारने के लिए जो है
इस तरह का कंपटीशन, कभी डांस कंपटीशन हो गया, कभी सिंगिंग कंपटीशन हो गया, इस तरह रखने से जो है, इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने से जो है बच्चों में एक उम्मीद जागती है और बच्चे जो हैं अपने टैलेंट को उभारने में आगे आते हैं। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे MJ म्यूज़िक अकेडमी का जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। गोल्डन वॉइस सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले 11 अगस्त 2024 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में की जाएगी और इसके जज रहेंगे बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर मिस्टर अभय जोधपुरकर। मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे प्राइजेस के बारे में। हमारा पहला प्राइज जो कि फर्स्ट प्राइज है 10,000 कैश, 1 ईयर प्री म्यूजिकल क्लास एंड अ मोमेंटो। हमारा सेकंड प्राइज है 8,000 कैश विद 1 ईयर प्री म्यूजिकल क्लास विद अ मोमेंटो। हम थर्ड प्राइज इज कैश ऑफ रुपीज 5,000, 1 ईयर प्री म्यूजिकल क्लास एंड अ मोमेंटो। फोर्थ राउंड के टॉप 10 फाइनलिस्ट को डॉक्टर सेल्वराज कॉन्फिडेंटल क्लिनिक जंगलीखाट की ओर से 2,500 रुपीज का फ्री डेंटल केयर कूपन दिया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स के लिए एक विशेष सूचना, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का ही समय दिया जाएगा जिसमें आपको बिना म्यूजिक की अपनी गायकी की प्रस्तुत करना होगा। हमारे 3 जजेस के रिजल्ट आपको गायकी के तुरंत ही बाद बता दिया जाएगा। जजेस, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू जजेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कंटेस्टेंट से। मोबाइल इन साइलेंट मोड सो दैट आवर जजेस डू नॉट गेट डिस्टर्ब। थैंक यू। मैंने ख्वाबों में तुम्हारा नूर देखा है, दिल ने भी तुमको कहीं तो जरूर देखा है। मैं रोज तेरा चेहरा सुनाया आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू ही था मेरा, अब जो मिला तो लगा। देर से ही सही मगर तू सजा मिटा तो है ना, देर से ही सही मगर तू मिला तो है ना, धीरे धीरे सही मगर फासला मिटा तो है ना। अनिल जी, जी सर, पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। घबराए तो नहीं हो? थोड़ा बहुत है सर, क्योंकि आपकी आवाज भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि आप थोड़े घबराए हुए। रील का फर्स्ट कंटेस्टेंट ये होता है, पर आपने अच्छी कोशिश की है तो मेरी तरफ से भी हाँ। थैंक यू, थैंक यू। चलिए
ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. आप मैं मेरी तरफ से भी हार गए. थैंक यू सर. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है मुस्कुराहट खाली तिजोरियां काजल की सिहानी से लिखी ऐ तू न जाने जनों के लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन भी दे सारा तेरे फिक्र में सतीश. yes, कितने बार प्रैक्टिस किया आपने ये गाना को? सर गाते रहते हो. अच्छा गाते रहते हैं तो अभी नर्वस है इसके वजह से नहीं गा पा रहे. स्टेज पे थोड़ा है. स्टेज की वजह से. तो चलिए ठीक है. कोशिश आपने किया है पर सुर बराबर लगे नहीं है तो मेरी तरफ से तो ना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी. एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी. तू मेरे सपनों की रानी बनेगी. Mm-hmm.
भी चलो हम भी चले चलते रहे जिंदगी नजरी मंजिल आसमान जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलते रहे जिंदगी पीछे कभी मुड़ के या हमें हो झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में हो धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां प्यार की झलमिल छाओ चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी कि वो रिजॉन्ट पतला लड़का है
का हम तारीफ रहे, अगर आप गाने का जो है कोई मरते वक्त भी गाना सुनना होते हैं और अगर कोई खुशी भी है वो भी कोई भी चीज़ें में आप गाना ऐसा संगीत ऐसा चीज़ है कि आपका एक साथी है, आपका कोई भी दोस्त ना बने, अगर संगीत को आपका दोस्त बनाया जाए तो आपको कुछ नहीं चाहिए। तो आज श्रीमान सर को हम वेरी वेरी थैंक्स कि मुझे यहाँ पे आज इतना बड़ा सम्मान दिया है और सच में जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मैं बहुत ही दिल से मैं ये दुआ करती हूँ कि आप आगे बढ़िए और भी आगे, क्योंकि आज इस आज आप जानते हो कि अंडमान में नशा इतनी बुरी तरह से आ गए है क्योंकि लोग खाली समय में क्या करें, खाली समय में क्या करें, उनके पास वक्त नहीं होता, खाली समय में होता नहीं, खाली दिमाग शैतान होता। अगर इस तरीके का हम जो भी एमजी म्यूजिक अकेडमी को साथ दे रहे हैं उनको भी वेरी वेरी थैंक्स कि इस तरह आप लोग इस अच्छे कामों में साथ दीजिए, जो भी हो सके इस बार सर का साथ दीजिए ताकि आने वाले सारे बच्चों जो अपने जो कला है इसको दिखा सके और नशा से भी हट जाए, अच्छी चीजों में लगाए। तो यही तो सब करके मैं समाप्त करती हूँ, थैंक यू। I'm not afraid.
एग्जाम के लिए आपको हाँ कहती हूँ, मेरा नेक्स्ट राउंड में आपको बहुत तैयारी के साथ आना है। सॉरी दुर्गा दुर्गा जी की काफ़ी कमी है, आपको भी महसूस हुआ होगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार जब कॉम्पिटिशन होगा तो उसके लिए आप एक बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके आए, ठीक है? इस बार आपकी प्रिपरेशन बहुत कम लग रही है, तो मेरी तरफ से हाँ है, ठीक है? नमस्कार सर। मैम अभी आप परफॉर्म करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है मैम? अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस भी मिली है ये सब चीज़ का, अभी पहला स्टेज है मेरा, तो आई एंजॉय इट। मैम जजेस ने क्या कहा आपके लिए? और प्रैक्टिस का जरूरत है, अगला राउंड के लिए प्रिपेयर करेंगे अच्छे से। अगला राउंड में सेलेक्ट हो गए मैम? हाँ जी बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आगे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार सर, अब अभी आप कंपटीशन में भाग लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है सर? जी हाँ ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छी है, मतलब मैं नए यूथ को बढ़ावा दे रहे हैं मैं अब म्यूज़िक एकेडमी की तरफ से, तो अच्छा लगा है, मतलब ठीक ही है, मतलब अच्छी बात है, सबको इनक्रेज कर रहे हैं यहाँ पे सिंगिंग के लिए, तो अपने अपने अंदर जो हुनर होती है बच्चे के, जो वो कला होती है तो उनको जाके दिखाना पड़ता है, वह मतलब एक उनको एक क्या है कि उसको एक कुछ इसका अपना जो एक गोल रहता है उसको अचीव करने का मौका मिलता है, तो म्यूज़िक के माध्यम से, ठीक है? आप परफॉर्म करें, कैसा लगा सर? आप क्या नर्वस थे स्टार्टिंग? हाँ तो स्टार्टिंग पे तो नर्वस तो होता ही है, कुछ भी हो, और हमारा तो फर्स्ट टाइम था, मैंने
तो एक्सपीरियंस इतना नहीं था मुझे, मैंने फिर भी चलो मैंने सोच लिया था कि चलो मुझे चढ़ना है और गाना है। जजेस ने क्या कहा सर आपके लिए? जजेस ने कहा कि ठीक है थोड़ा और मुझे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा और कर देने से आपका वॉइस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी। तो मुझे सेलेक्ट किया गया है सेकेंड राउंड पे, तो हाँ तो मुझे तीनों जजेस ने सेलेक्ट किया है हमारे गाने पे, मतलब सुना उन्होंने तो कहा उन्होंने कि हाँ तुम्हारा वॉइस ठीक है, आपको सेकंड राउंड में सेलेक्ट किया जाता है। ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। दिनेश सरकार। सर आप परफॉर्म कर लिए कि अभी करना है? नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर बाद में मेरा परफॉर्मेंस होगा। नर्वस लग रहे हो? नहीं, नर्वस थोड़ा बहुत हूँ क्योंकि 2 बजे आसपास यहाँ पहुँचा, उसके बाद से हर किसी का प्रोग्राम देख रहा है लेकिन अपना नंबर आया नहीं। अभी आपका नंबर क्या है सर? मेरा अभी 78 में। 78 जी सर, ये इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप यंग टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे MJ म्यूजिक एकेडमी के लिए? नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है क्योंकि आज के डेट में हर कोई, देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब यही है, अगर कोई अपना जॉब करता है, कुछ भी करता है, कोई भी काम करता है, वो छोड़ के अगर वो कोई अलग से अगर लाइन चूज करता है, जैसे सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गया, और उसमें वो आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा बात है। और इसमें हमको भी सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए फरारगंज से हम यहाँ तक आया, फिर आगे देखते हैं क्या होता। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MP कैंडिडेट रह चुके रिंकू माला मंडल जी, जो हमारे जर्नलिस्ट बिरादरी से आते हैं, और इस वक्त जो है MJ म्यूजिक एकेडमी जो है इनको बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किए थे, वे अभी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम MJ म्यूजिक एकेडमी जो है गोल्डन वॉइस सिंगिंग कम्पटिशन जो रखे हैं, आपको चीफ गेस्ट बतौर रखा गया है, कैसा लग रहा है मैम? नहीं, अच्छा लग रहा है, और भी बहुत लोगों को बुलाया थे चीफ इसमें, तो क्या है हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पूरे अंडमान में इस तरीके का कंपटीशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको पता होगा सर, आज के डेट में नशे में लोग बच्चे जो है बहुत ख़राब हो चुका है, नशा धीरे धीरे हमारे अंडमान में काफ़ी बढ़ चुका है, तो बच्चे इसलिए कि ना रोज़गार है ना कोई, मतलब बच्चे को कुछ अलग से कोई मतलब एंटरटेनमेंट है, तो मैं चाहूँगी कि इस तरीके का एकेडमी को हमें साथ देना है और हमें बढ़वा देना चाहिए ताकि सारे बच्चों को अपना जो कला है वो दिखा सके, कम से कम एक सिंगिंग का तरफ जिसका भी जो कला है वो कला के साइड हो, कोई गलत एम में ना जाए। तो मैं चाहूँगी कि इस तरीका का हमें भी उनको कुछ ना कुछ जो भी चाहे वो सपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीका का कोई भी कंपटीशन होता है, बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। मैम नमस्कार, आपका नाम? हर्षिता जी। आपने अभी परफॉर्म कर लिया मैम? हाँ परफॉर्म। कैसा लगा? एक्चुअली अच्छा था, लाइक ओके। आप जजेस ने क्या कहा मैम? जजेस की तरफ से तो ना है अभी। अच्छा जी। हाँ तो मतलब नेक्स्ट बार तैयारी करके आइएगा अच्छे से। या यही। कैसा मतलब MJ म्यूजिक एकेडमी जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं नए बच्चों को, नए टैलेंट को दिखाने के लिए, कैसा लग रहा है आपको ये? लाइक season 1 में जब मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया था तब मैं जस्ट लाइक नॉर्मल ऐसी गाने आई थी, तब मतलब कंपेयर करने से तब उन्होंने कहा था अगर आप पार्टिसिपेट कर लेती तो लाइक फाइनल पे रहती हो, तो वही भरोसे में मैं भी आकर इस बार गाने आई हूँ, पर लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे ट्राई कीजिए, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। मैम नमस्कार। नमस्कार। आप अभी कंपटीशन में भाग लेकर आई हैं जी, कैसा लग रहा है मैम? थोड़ी नर्वस थी पर सेलेक्ट होने के बाद बहुत हैप्पी। आप सेलेक्ट हो गए जी। जजेस ने क्या कहा? जजेस ने कहा था कि नर्वस नहीं होना है और अगले राउंड में और भी अच्छे से करना है करके। ओके ऑल द बेस्ट अगले राउंड के लिए। सर आपका नाम? M अरुण। अभी आप ऑडिशन दे के आए सर, सेलेक्ट हो गए? हाँ सेलेक्ट हो गए। कितनी खुशी है? बस थोड़ा खुशी है और प्रैक्टिस की जरूरी है। जजेस ने क्या कहा? जजेस ने कहा कि आपके हाई पिच में थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन में, और बेटर नेक्स्ट टाइम आप बेटर दिए हैं और अच्छा प्रिपेयर। नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया है ना? हाँ नेक्स्ट राउंड के। ओके ओके, आगे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। आपका परफॉर्मेंस हो गया ना? जी हो गया। क्या कहा जजेस ने? एक्चुअली मेरा 12th का एग्ज़ाम था और नीट का भी एग्ज़ाम था, तो मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। जैसे इसने कहा था कि मेरा वॉइस अच्छा है और मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। अभी हमारे साथ मौजूद है MJ म्यूजिक एकेडमी द्वारा
आयोजित सीजन वन के गोल्डन वॉइस के विजेता, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम? प्रशांत। नमस्कार। नमस्कार, कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और इस बार मैं पूरे MG म्यूजिक एकेडमी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा सेकेंड टाइम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कराने के लिए। इवन आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ प्रेजेंट आज यहाँ आकर जो ऑडिशन नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन का भी सुविधा किया गया है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार। मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आवाज़ है काफ़ी लोगों का। कई लोग सेलेक्ट होते हैं, कई लोग नहीं होते, वो तो जजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर, MG म्यूज़िक एकेडमी जो है यंग जनरेशन के लिए एक मोटिवेशनल काम कर रहा है। जिस तरह से आज यूथ जो है नशे में डूब रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। क्या कहना चाहोगे सर यंग जनरेशन के लिए? यंग जनरेशन के लिए क्या कहना चाहूँगा सर, एक्चुअली ये है ना, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म मतलब बहुत कम मिलता है यहाँ के लोगों को, खास करके मतलब जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास टैलेंट होता है वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट में हो या डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, कुछ भी हो। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से हम अपने जो टैलेंट, अपना जो टैलेंट है बाहर निकाल सकते हैं, दिखाने का एक मौका है। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए MG म्यूजिक एकेडमी पूरे एंटायर टीम को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सर, आप लास्ट टाइम के विनर हो, एक छोटा सा गाना सर गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी जरूर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गोल्डन वॉइस सिंगिंग कंपटीशन के जज, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना टफ था ये कंपटीशन। मैम नमस्कार। मैम आपका नाम? मैम मेरा नाम शिक्षा जायदार है। मैं एनकॉल में एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ फिलहाल, म्यूज़िक की फैकल्टी। और रहा सवाल कंपटीशन का, कंपटीशन टफ था पिछले बार से, लेकिन बच्चों को काफ़ी अभी भी कोशिश करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अंडमान में म्यूज़िक का या कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक्सपोजर पहले काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव MG एकेडमी ने लिया है जिसकी वजह से बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है, लोग और जान पा रहे हैं, लोग ज़्यादा जानकार बन रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं म्यूज़िक एज अ करियर या एज अ फील्ड चूज़ करने में। तो मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों ने तैयारी अपनी काफ़ी अच्छी की, काफ़ी अच्छी कोशिश की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है क्योंकि कंपटीशन है, लोग नर्वस हो जाते हैं, पर ओवरऑल एक अराउंड 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चों नहीं, बच्चे बड़े सभी थे एक्चुअली, 80 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें काफ़ी लोग क्वालिफाई कर लिए फर्स्ट राउंड के लिए। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करें सेकेंड राउंड में भी, कॉम्पिटिशन और टफ होता जाएगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। जज करना कितना मुश्किल था? मैम जज करना एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट था क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है ना, बच्चों में कैलिबर या किसी भी कंटेस्टेंट में कैलिबर बहुत अच्छा होता है पर वो नर्वस हो जा रहे हैं। इसके अलावा ये होता है कि वो डर गए या फिर तैयारी उनकी अच्छी नहीं है। ओवरऑल वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं पर इस स्टेज पे तैयारी उनकी अच्छी नहीं रही, तो उनको मौका दिया जाए या ना दिया जाए ये असमंजस बना रहता है। बाकी प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, ये MG म्यूज़िक एकेडमी ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया, मैंने जैसे कि बताया तैयारी काफ़ी अच्छी रही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस इनिशिएटिव का एक पार्ट। हिसाब से अब कितने लोग सेलेक्ट हुए होंगे? मैम 80 लोगों में एटलीस्ट एक 60 प्लस लोग सेलेक्ट हुए हैं क्योंकि ये फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड में और भी लोग कम हो जाएंगे, अब देखा जाता है आगे क्या होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका नाम सर? प्रदीप। सर MG म्यूज़िक एकेडमी द्वारा जो सिंगिंग कंपटीशन गोल्डन वॉइस रखा गया था, इसमें आप जज थे, कितना टफ था सर जज करना? कंपटीशन काफ़ी टफ रहा है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो बच्चे हैं, लास्ट सीज़न में भी कंपटीशन टफ था पर इस सीज़न में और टफ लग रहा है क्योंकि बच्चे पोर्टब्लर से भी हैं, इंटर आइलैंड से भी हैं और जो बच्चे जो इंटरेस्टेड थे और यहां पर मौजूद नहीं थे उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन रहकर भी उन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है।
तो ये एक अच्छा पहल रहा है एमजे म्यूज़िक एकेडमी का, जो जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे आइलैंड के जो टैलेंट्स हैं, इसमें यंगस्टर्स भी पार्टिसिपेट किए हैं और जो ओल्ड सिटीजन के जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो एक अच्छा रेंज था एज का, 15 to 60 ईयर्स का, तो काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिला है हमें। नमस्कार मैम, मैम एज ए जज एमजे म्यूजिक एकेडमी का जो गोल्डन वॉइस सिंगिंग कंपटीशन था, कितना टफ था मैडम आपके लिए जज करना? टफ सर, बहुत ही ज़्यादा टफ रहा, क्योंकि बहुत टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। आप इंटर आइलैंड बोलिए, यहाँ के पोर्टब्लेयर के बोलिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं। और जजमेंट में हम लोगों को एक पॉइंट पे ऐसा भी लगा किससे ले किसे ना ले, तो ये तो फर्स्ट राउंड है, अभी आने वाले राउंड में और जो जजेस रहेंगे उनको और ज़्यादा टफ डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए जजमेंट करना। तो बहुत मज़े किए हम लोगों ने। कैसा लगा मैम, बच्चे क्या वाकई तैयारी करके आए होते? कुछ बच्चे ऐसे थे कि हाँ, मतलब अचानक से पता चला कि आज ऑडिशन हो रहा है तो ऐसे जस्ट आ गए, तो उनका भी क्या है कि वो अच्छा गाए तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। और कुछ बच्चे है कि बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों ने भी बहुत भी अच्छा अपना कला प्रदर्शन किया है, तो हम लोगों ने उनको भी सिलेक्ट किया है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम जो देख रहे हैं कि यहाँ के जो यूथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, अपना रुचि जो इसमें दिखाना चाह रहे हैं और गाने में संगीत में अपना जो टाइम दे रहे हैं, तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। जो एज अ जज मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी प्रैक्टिस है, जिनका भी प्रैक्टिस जो कर रहे हैं कि संगीत को लेके आगे बढ़ेंगे, जो भी करेंगे, उसे प्रैक्टिस जो है जारी रखना है और कंटिन्यूएशन में उसे रखना है। मैम हमने देखा है कि कई उम्र दराज लोग भी काफ़ी थे इस कंपटीशन में, तो उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा मैम? जैसे यहाँ पे 60 एज तक एज लिमिट दिया हुआ था, तो बहुत सीनियर सिटीजन्स भी आए थे और उनका परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक अच्छा रहा। तो कुछ लोग, जो लोग मतलब जो नहीं गा पाए, एकदम नहीं गा पाए, तो हम लोगों को ऐसा बोला गया था कि जो एकदम नहीं गा पाएंगे तो उनको नहीं सिलेक्ट करना है, तो वो निराश ना होए, वो नेक्स्ट सीज़न फिर से तैयारी के साथ आए। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नशा सबसे गंदा चीज़ है, ये इसे रोकना है। इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम, सारी जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, ताकि इस चीज़ को हम रोक सके ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी ये कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स जो अपने बच्चों को थोड़ा छूट दे रहे हैं, वो मैं उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मिला है हमें सर, एमजे म्यूज़िक एकेडमी जो है ये इनका सेकंड सीज़न है जी, तो क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से आज यूथ्स जो हैं अपने आप को नशे में डुबा देते हैं, मतलब उनके पास कुछ करने के लिए रहता ही नहीं है, तो उन जैसे यूथ्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मेरा यूथ्स को यही मैसेज रहेगा कि अगर आप जो भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे म्यूज़िक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो आप उसके लिए समय निकालें। आप अपना जो समय है व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद ना करें, जैसे कि हम देखते हैं यंगस्टर्स नशे की ओर चले जाते हैं। अंडमान में जो है लिमिटेड चीज़ है, जैसा रिसोर्सेस है, एंटरटेनमेंट है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे यंगस्टर्स इसके तरफ आए, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इसके तरफ आगे बढ़े, ताकि उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो, करियर ग्रोथ भी हो, और हमारे आइलैंड्स को भी वो रिप्रेजेंट कर सके नेशनल एंड इंटरनेशनल। आज का जो जनरेशन है नशे में दूध हो जाते हैं, परिवार को भी परेशानी में डाल देते हैं, ऐसे में आप एज ए जज यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना इंटरेस्ट कोई ऐसी हॉबी में डाइवर्ट करो कि इन सब चीज़ों के लिए समय ही ना हो। ये बोला जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का, अगर आप खाली घूमोगे फिरोगे, ये ट्राई करते हैं वो ट्राई करते हैं, तो आप अगर एज अ हॉबी कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ को या कोई भी नई हॉबी अगर आप अडाप्ट कर लेते हो, तो आपके लिए आप जब उसको समय देते हो परफेक्ट करने में, कोई नया स्किल डेवलप करने में, तो ये बाकी जगहों से, बाकी बुरी चीज़ों से, ये नशे में धुत होकर घूमना, ये सबसे आपका ध्यान काफ़ी हट जाता है। बाकी सर मैं बोलूँगी ये अपनी कॉन्शियसनेस भी है कि मुझे ये करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये तो 1-to-1 डिफर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चे जो है नशे की ओर चले जाते हैं, नशे में धुत होकर घर वालों को परेशान करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना कर बैठते हैं कि मतलब घर वाले भी जो है परेशान हो जाते हैं। तो इससे उभारने के लिए जो है इस तरह का कंपटीशन, कभी डांस कंपटीशन हो गया, कभी सिंगिंग कंपटीशन हो गया, इस तरह रखने से जो है, इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने से जो है,
बच्चों में एक उम्मीद जागती है और बच्चे जो हैं अपने टैलेंट को उभारने में आगे आते हैं। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे एमजे म्यूज़िक एकेडमी का जो इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।